के मुख्यमंत्री कहे कि हम विकास कर रहे बनी तो झूठ का सिवा क्या बोल सकता। नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या लालू प्रसाद यादव का बिहार की राजनीति में दोबारा उभार हो रहा है? धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव बीत रहा है, कई जानकार और पत्रकार लिखने लगे हैं कि लालू प्रसाद यादव अब उस स्थिति में आ गए हैं जहां वो बीजेपी को चुनौती देते हुए आगे नजर आ रहे हैं। इस सभा में, महाराजगंज में होने वाली इस सभा में हम आए हैं ये देखने के लिए कि क्या वो बात है जिससे लोग लालू प्रसाद यादव की तरफ जा रहे हैं। क्या एक मोदी के होने की वजह से लालू के पक्ष में इस तरह से एक वो पुराना समीकरण बना है जिसकी वजह से, जिसके टूटने से बिहार में सत्ता और उनका राजनीतिक वजूद जो है एक तरह से वो हाशिए पर लगाए गए थे। क्या सचमुच इस चुनाव के बहाने, इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव का उभार हो रहा है और वो एक बड़ी शक्ति के रूप में यहाँ से एक नरेंद्र मोदी या बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं? तो उनकी रैली में क्या मजमा होता है, किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह की तैयारियां होती हैं, ये सब तो हम देखेंगे ही और प्रयास भी करेंगे कि लालू प्रसाद यादव से बात हो और उनके अपने एक राजनीतिक तेवर के साथ देखा जाए कि ये वो लालू, क्या इनमें वो आत्मविश्वास है या आत्मविश्वास का प्रदर्शन है, या वो बातें सही कही जा रही हैं कि लालू प्रसाद यादव ने लड़ते लड़ते अपने आप को एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है बिहार की राजनीति में। बड़ा अच्छा है। अभी ये प्रभुनाथ सिंह बोल रहे हैं कि बिहार में 53% से ज्यादा कुपोषण है। जैसे गुजरात के विकास को के दावे की जो चुनौती दी जाती है तो कुपोषण का उदाहरण दिया जाता है। एक तरह से ये अच्छा हो रहा है राजनीति में कि तमाम तरह के गोलमोल आरोपों के बाद बीच में ये हमारे नेता जो है अब कुपोषण, भूखमरी, नवजात शिशुओं के की मृत्यु दर, इन सब बातों को उठा रहे हैं। वो भी अब समझ रहे हैं कि जीडीपी का दर जितना बढ़ा दीजिए, ये अगर हकीकत रहेगी तो इसे राजनीतिक चुनौतियां मिलेगी। इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है जनमत के निर्माण में कुपोषण की भूमिका को लेकर, लेकिन आने वाले समय में एक समय ये इसका पक्ष बहुत बड़ा हो जाएगा किसी चुनाव में। नरेंद्र मोदी ने इतना तो किया है कि इस चुनाव में रैलियों का स्केल बड़ा कर दिया है। जैसे ही आप इस तरह की सभा में आते तो लगता है कि अरे यहाँ तो भीड़ ही नहीं, लेकिन ये देखने का एक नजरिया है क्योंकि उनकी रैली काफी व्यवस्थित होती है, भव्य तरीके से बना दिया जाता है। अब लोग भूल गए हैं कि चुनाव में सभाएं भी होती हैं, नुक्कड़ सभाएं होती हैं, छोटी सभा होती है जिसमें नेता आकर भाषण देता है। तो अभी लालू यादव के आने से पहले का ही ये तैयारी चल रही है। मंच आपका हरे रंग से लालटेन टांग दिया गया है, अभी छोटा सा बच्चा लालटेन लेकर आ रहा था। आप लोग बड़ी रैली नहीं करते, बड़ी रैली करने से लगता है कि लहर है। बड़ी रैली गरीबों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। सब लोग पैसा चंदा देकर किए, सब किए हैं, अपने लोकल के लोग पैसा देकर किए हैं, गरीबों की पार्टी। वो एलईडी स्क्रीन पीछे नहीं लगाए तो लगेगा कि ये पार्टी चुनाव ही नहीं जीत रही। चुनाव तो जीतेगा, पूरे बिहार में जीतेगा चुनाव। बड़ा गरीब टाइप, अगर पूरे भारत में अगर कहीं किसी का लहर चल रहा है तो लालू यादव के पूरे बिहार में चल रहा है। अगर कहीं भोथरा है लहर मोदी का तो बिहार में भोथरा है उसका लहर। लालू जी आ जाएंगे ना टाइम? हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। यहाँ भोजपुरी में भाषण, क्या बोल रहे हो? सिर्फ वोट के दिन वोट दिखाई देगा, वोट के दिन वोट दिखाई देगा। रैली बनाई, रैली 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 होता है जो आदमी आदमी को देखने जाता है, आदमी आदमी को नहीं देखा उसके लिए रैली होता है। अच्छा, ये हमारे लिए रैली रैली नहीं है, हमारे लिए वोट है। लालू सिर्फ 17-16 को आप देखिएगा वोट किसका, मतलब यहाँ पे मतलब। अरे भाई, रैली में भाषण सुनोगे फिर अपना मत बदलोगे ना? मत नहीं बदलोगे? नहीं, बदलने वाला नहीं है। जो हमारे लिए विकास करता है, जो हमारे लिए काम करता है, हम उसको देंगे या दूसरे किसी और को देंगे। सब आजकल जात का नाम नहीं लेता, विकास का नाम लेता है। जात यहाँ का बनिया वोट देता है, मोदी को वोट देता है। ब्राह्मणवादी लोग जितने लोग हैं सब मोदी को वोट दे रहे हैं। जो पहले से बीजेपी का वोट है आज भी वोट है, जो लालू यादव का पहले वोट है, जो छिटका था आज वापस आ गया है। मोदी के चलते ही आया लोग कह रहे हैं? नहीं, मोदी के चलते नहीं, नीतीश के चलते आया है। नीतीश के चलते आया है ये देखिए, अगर यही नरेंद्र मोदी की रैली हो रही होती तो आप पास तक नहीं जा सकते थे, आप मंच पे जा सकते हैं। ये लालू की रैली है, ये मंच है, क्या पता ये टिके भी कि नहीं टिके। ठीक मजबूत बनाए हो जी? तो ऐसे ही एक साधारण स्तर का, एक औसत स्तर की सभा है। सभा शायद बड़ी हो जाए लेकिन
इंतजाम के हिसाब से लगता नहीं कि इनके पास फंड भी है कुछ है। अरे देखिए मोदी जी की रैली में कितना बड़ा बड़ा रहता है। मोदी जी के पास बहुत पैसा है। यहाँ चार को कुर्सी रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि 10-12 आदमी आ रहे हैं। कुर्सी क्या जरूरत है, ज्यादा आदमी तो तिलक में आ जाता है। लोग आएगा, लोग तो आएगा, तो भर जाएगा। देखिए ना, लोग भर जाएगा। अच्छा देखते हैं, ऐसा क्या है लालू में जो इतना सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं? अभी भी वही काम करते हैं, बोली देते हैं। काम कहाँ करते हैं? काम ही तो नहीं किए, तभी तो सत्ता से बाहर हो गए। क्या था, अब क्या हो गया? आप देखिए छपरा का। दोपहर का वक्त है अभी, लालू प्रसाद यादव के 2 बजे के बाद ही आने की संभावना है। और ये प्रभुनाथ सिंह का इलाका है। पिछली बार जब यहाँ लोकसभा का उपचुनाव हुआ था तो काफ़ी ये प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई थी। ये सीट नीतीश कुमार चाहते थे कि वो किसी तरह से जीतें, लेकिन उनको चुनौती देने वाले प्रभुनाथ सिंह यहाँ से जीत गए, जो इस दोबारा से RJD के उम्मीदवार हैं। और कभी प्रभुनाथ सिंह नीतीश के बहुत करीबी हुआ करते थे, जैसे वो अपने भोजपुरी में दिए गए भाषण में बता भी रहे हैं कि कैसे नीतीश और वो साथ साथ घुमा करते थे, लालू के खिलाफ ही घुमा करते थे। आज वो लालू के टिकट से कौन आ रहा है यहाँ पे कोई नहीं मालूम है? कौन आया है? लालू यादव। लालू यादव देखने किसको आई है? नरेंद्र मोदी को? तो लालू जी भोजपुरी बोले तो अच्छा लगेगा। कब है? चाहे सारा लोग ध्यान में रखे लालू का। अभी भी बचा हुआ है लालू में, कितना सुनिएगा उनका भाषण, खाली हंसाते रहते हैं। नहीं है फिर भी तो ठीक ही है। लालू ठीक है। क्या नाम है आपका? अच्छे लाल यादव। तो सारा यादव लोग लालू को ठीक है बोल रहा है आज। लालू के अलावा कभी किसी को वोट दिए हैं? जैसे पहले तो बाद में नीतीश कुमार को वोट दिए थे। नीतीश को वोट दिए थे? हाँ। अच्छा, लेकिन फिर भी मानते नहीं कि आप इसे दिक्कत लिखा भी आ रहा है, इसलिए तो इसको लालू को दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं, मतलब कोई कारण होगा ना? देवे का कारण पता नहीं, अफसर शाही चला था, कोनो काम के लिए लड़का फेंका जाता रहे सर, कहीं ब्लॉकों में तो ऐसे काम होते नहीं। तो अच्छा है ना, अफसर काम करेगा तो इसमें क्या बुराई है? कहाँ तो अफसर कर रहे हैं काम है? कितना लड़के जाते हैं तो सब लौट के चले जाते हैं, काम नहीं होता है। अफसर काम नहीं करता है, फंड रिटर्न हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार पड़ेगा। अविनाश कुमार भी यादव हैं? नहीं यादव नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हैं? तो आप लोग RJD में कैसे हैं जी? ब्राह्मण लोग तो BJP के साथ हैं। ऐसा नहीं ना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ जो होंगे ब्राह्मण जो BJP को देते होंगे देते होंगे, हम लोग तो BJP को नहीं देते हैं। देखिए हमारे पिछले बार हम लोग नीतीश कुमार जी को वोट दिए हुए थे, हम लोग सोचे कि हम लोग का कुछ विकास हो, सड़क बने, हम लोग क्या चाहिए। तो सड़क तो आपके यहाँ अच्छी बनी हुई है, आप चले जाइए हमारे गांव की तरफ। हमारे गांव की तरफ जाकर तो बहुत अच्छी सड़क है, हम तो जिस सड़क से आए। आप जिस सड़क से आए वो अच्छा है, और हम लोग जिस सड़क से जहाँ हम लोग को आना जाना है छपरा, वो सड़क बेकार हो, तो आपके लिए अच्छा है कि हम लोग के लिए यहाँ का चाहिए? आपकी बात सही है भाई। नीतीश को वोट तो आपने इसीलिए दिया था ना कि लालू को रुकना है? इसलिए नहीं दिए थे हम लोग, दिए थे कि पिछले 5 साल में अच्छा कारोबार देखे हम लोग, फिर सोचे कि अच्छा फिर इस बार अच्छा करेंगे। अच्छा, ये और चाहिए मतलब? और पब्लिक क्या चाहिए, पब्लिक को कुछ फंड थोड़ी चाहिए, पब्लिक को सिर्फ चाहिए कि रोड अच्छा हो, उसको बिजली मिले अच्छा, और पानी अच्छा मिले। पब्लिक को तीन ही चीज डिमांड होता ही है, और क्या होता है? यहाँ 2 वोटर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप पिछली बार नीतीश को वोट दिए थे, आप BJP को ना देंगे RJD को देंगे। आप यादव हैं, आपने नीतीश को वोट दिया था, नीतीश को ना छोड़ के आप उसमें दे रहे हैं, तो इतना वैरायटी है। तो आप सही कह रहे हैं कि हर जाति का हर आदमी एक वोट नहीं देगा। वोट जातिवाद तो ये लोग पैदा कर ही दिया है। सारा नेता तो क्या काम है, जाति के अनुसार हमको वोट टालना है। हम लोग क्या है कि सबको मूर्ख बनाकर अपना अपना काम निकाल लेता है। Yeah!
आप मुखिया जी हैं ना, प्रतिनिधि हैं उनके, यहाँ मुखिया हैं। अच्छा, मुखिया पति हैं आप, तो समस्या बताइए ना, कौन सा समस्या? समस्या तो आप ही हैं, मुखिया के नाम पे पति बोल रहे हैं। नहीं, रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव आयोग भी रिप्रेजेंटेटिव को संवैधानिक अधिकार दिया देता है। एक समस्या बताइए जो दर्शक समस्या। समस्या ये है कि हम लोगों को जो काम करने का जो राइट है, गांव की सत्ता गांव के हाथ, अब ये बीडीओ सीओ और डीडीसी का हाथ हो गया है, तो हम लोग बैठ करके केवल मोहर मारते रहे, इसी से गांव चलेगा? तो पांच बार नहीं रहेगा तो सेंटर का फंड आएगा उसका क्या? आप हाँ। उसका एग्जीक्यूटिव रोल है ना, पंचायत में हम अध्यक्ष है ना, जो अध्यक्षीय अधिकार है उसको लेने का, उसको डाइवर्ट करने का, उसको इंक्रोच करने का किसी को राइट नहीं ना है? हम जनता के प्रति जवाब दे हैं ना, कि हम वीडियो के प्रति जवाब दे हैं, इसीलिए हम ये पूछे। आप जब बोले कि आप मुखिया हैं, क्योंकि हम कई गांवों में गए हैं, वहाँ ही हम देख रहे हैं। एक तो प्रधानों पे बहुत आरोप लग रहे हैं। नहीं, ये सब आरोप निर्मूल है। प्रधान अपने हैसियत है, सामाजिक और आर्थिक हैसियत से अगर प्रधान अपनी प्रधानी कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी जनता का हक लूट रहा है। नहीं, वो अलग, वो दोनों अलग मसला है। लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि बहुत सारा जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उसकी जड़ में ये कारण हो सकता है जो आप ये कह रहे हैं कि आपका जो पावर है वो बीडीओ सीडीओ ले लिया है और आप सिर्फ स्टैंप लगा के चले आते हैं। बिल्कुल, है ना? क्या होगा भाई, तुम लोग युवा हो, तुम लोग फेसबुक करते हो, हैं? क्या करते हो फेसबुक में? ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी एक बिहार में चला था कि लोग कुछ समय के लिए जाति पाति से ऊपर उठ गए हैं और एक विकास की बात हो रही है। हाँ सर, 6 माह पहले उपचुनाव हुआ था, उसमें दोनों आदमी जदयू भाजपा एक साथ था, उसमें प्रभुनाथ सिंह 1,38,000 वोट से जीते, इसमें 4 दिन नीतीश कुमार काम किए थे, उस समय कांग्रेस भी अलग था। अभी अभी तो बिहार में रिकॉर्ड बनेगा। अरे युवा लोग कह रहा बदलाव की तरफ, कह रहा हूँ बदलाव यहाँ महाराज है, भाजपा और आरएसएस का सदस्य, ये लोग युवा लोग हैं, कुछ लोग महाराज में कोई बदलाव नहीं। अब तो आपसे बताएं कि जब दोनों आदमी एक साथ था जदयू भाजपा, उस समय फोटो काहे खींच रहा हूँ, मेरा चुनाव आयोग मना किया, रिपोर्टर का फोटो नहीं खींचना है उस समय। 1,38,000 मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। जब जदयू भाजपा यहाँ एक साथ थे, नीतीश कुमार 4 दिन काम किए, ऐसा देखिए कुछ तो काम तो किया है ना नीतीश ने, काम क्या किया? आपके यहाँ सड़कें हैं, बिजली है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ देश में दो धारा में चुनाव हो रहा है, एक धारा देश में नरेंद्र मोदी का है और दूसरा धारा धर्म निरपेक्ष दलों का एक साथ है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी में नहीं है और धर्म निरपेक्ष तीसरे फ्रंट में है, जिसका नतीजा है कि पूरे बिहार में 400 सीट पर 3 नंबर पे इनके प्रत्याशी हैं। अब देखिए बीजेपी वाले से मिलते हैं, वो कहते हैं बाकी सब 4 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस वाला कहता है बीजेपी 4 नंबर से है, तीसरे यहाँ आप बीजेपी 4 नंबर पे, तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, 4 नंबर पे बिहार में रख दीजिए, 3 नंबर पर कोई कहे तो 4 नंबर कौन है, बोलिए रवीश कुमार है, 4 पे तो कोई नहीं है, तीसरे मोर्चे की बात करते हैं और अब 4,000 सीट पर 3 नंबर पर है। नीतीश कुमार का कहीं कुछ नहीं है सर, भाई हुआ क्या? हम थोड़ा सा आप लोग समझ से पार्टी लाइन पे मत बात कीजिए कि जो काम हुआ आपके बिहार में, काम तो केंद्र लोगों ने क्या छोड़ दिया? नीतीश कुमार भाई आपका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, पहले की तुलना में बहुत अच्छा है, बहुत उसमें आम आदमी का भी बहुत सारा भागीदारी है, लॉ एंड ऑर्डर में आम आदमी का भी सोच बदला है, कहीं ना कहीं सरकार का उसमें बहुत नहीं है, आम आदमी भी बदला है, लोग भी बदले हैं। अजीब है कि आप नाराज जब तक रहते हैं आप सरकार को क्रेडिट देते हैं, जब मन में आता है सरकार से क्रेडिट ले लेते हैं। भाजपा से अलग हुए सबसे बड़ी कमजोरी वही है, वो तो लड़ाई वैचारिक जब है तो फिर वो अलग हो गया, उसमें कमजोरी क्या है? सांप को 17 वर्ष तक दूध पिलाकर अजगर कर दिया, हाँ आप कह रहे हैं वैचारिक लड़ाई, अजगर हो गए सांप को, सांप गोजर सबका उच्चारण आप बंद कर दीजिए राजनीति में, जो है राजनीति का बनकर धार हुआ है, यहाँ चीज चल गया रविश भैया जातिवाद सब पर, हाँ यहाँ पर मुनाद इसी जातिवाद के खिलाफ लोगों ने लालू जी को हटा के फिर नीतीश को ले आया, नीतीश को ले आया, नीतीश का मतलब लोग क्यों नहीं साथ? ये युवा से बात करनी है, यंग को बोलने दीजिए, दिल्ली में यंग लोग बहुत कुछ आता है, ये लोग बड़ा वेराइटी का आइटम है दिल्ली के मीडिया में, हाँ लालू जी क्यों छोड़ दिया? आज कहने के लिए लोग कहते हैं कि हम छोड़ दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कोई छोड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ वही जो बात आ जाती है मिला जुला करके कि महाराजगंज का हो गया कि 52 साल बने हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन यहाँ पर 52 साल से राजपूत राज करता आया, आज तीनों पार्टी को देखिए, वो भले धुमन सिंह भूंज आ रहे लेकिन दो जनों पार्टियों ने राजपूतों को वोट दिया, तो ये राजपूत जब वो राजपूत को ही वोट देगा तो हम प्रभुनाथ बाबू को देंगे, 4 वर्ष इनको दे रहे हैं तो 5वें बार में हम सिग्रेवाल को क्यों ना देंगे, जब जाति फैक्ट्री चलना है तो हमारी सोच तो यहाँ भी है, लेकिन बदलाव हम लोग चाहते हैं कि महाराजगंज में बदलाव हो।
हम लोग करेंगे बदलाव। ये बड़ा है, कमाल है, लैली लालू जी की है। यही डेमोक्रेसी की ताकत है हमारी, कि हर पक्ष के लोग इसी भीड़ में आके बात करें। और सहनशीलता है, जो ट्विटर सोशल मीडिया की तरह गाली गलौज नहीं है, ना तो ये इनको गाली दे रहे हैं ना ये इनको गाली दे रहे हैं, कंधा मिला के थोड़ा कैमरे से देखें। नहीं, सोशल मीडिया पर अगर आप आलोचना कर देंगे तो बहुत गाली मिलती है। अगर यहाँ पे मान लीजिए इसी के, अगर मान लीजिए यहाँ राजपूत ज्यादा संख्या में है, तो असली लोकतंत्र तो होता, या किसी पार्टी की अपनी विचारधारा की औकात, ताकत नहीं, मैं औकात तभी पता चलती कि वो किसी एक 100,000-10,000 जाति समूह वाले किसी अच्छे योग्य उम्मीदवार को टिकट देता और सब उसको वोट देते, है ना। लेकिन ऐसा ये है ही, ऐसा किसी दल ने तो कहीं किया नहीं है, नहीं किया। लेकिन वो मंच पे क्यों भाषण देते हैं कि हम जात पात के खिलाफ चुनाव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए चुनाव? जात कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए स्वास्थ्य, हमें ये सुविधा चाहिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। आज मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि राजद के लोग सब लोग बूढ़े हैं। आज देखिए कांग्रेस से हमारे पूर्व विधायक माझी साहब बुधन प्रसाद यादव अभी बैठे हुए हैं, पार्टी का इसमें नाम नहीं लेते, जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात कह रहा हूँ। आज अगर उनको यहाँ से टिकट दिया जाता तो भले मैं राजपूत जात से हूँ लेकिन वो यादव है, लेकिन मैं उनको वोट देता। ईमानदार हो, किसी पार्टी का हो, आप दे सकते हैं अपनी जाति का लाइन क्रॉस करके, एकदम देंगे। और अगर ये क्राइटेरिया नहीं है तब आप मजबूरन जाके अपनी जाति की तरफ जाते हैं, यही बात होती है ना, यही बात होती है। ये आइसक्रीम लेकर आए हैं काका, ओ काका, अरे लालू जी का रैली नहीं सुनने जाओगे? जाओ, क्या है इसमें, मछली है? नहीं नहीं, आइसक्रीम है। तो मलाई है, आइसक्रीम है। अब ये खोलेंगे तो तुम लोग लेके भाग जाओगे इनका, छोड़ो। ना 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 ना, जाओ, जाइए जाइए, हमारे वजह से गिर जाएंगे। बीजेपी के गोदिया में दिन रात खेलन, अब जाके मुसलमान लगे मीठा मीठा बोलेलन। अरे इनकर नफरत वाला खेत के जोताई हो जाता, बिहार से नीतीश के विदाई हो जाता, बिहार से नीतीश के विदाई हो जाता। जय हिंद जय भारत। चुनाव महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन इसका प्रचार और संसाधनों का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है, ये देश का सबसे महंगा चुनाव है। और लोगों ने अपने अपने दलों के समर्थक होने के नाते इस सवाल पे चुप्पी साध ली, किसी ने गंभीरता से नहीं पूछा कि राजनीति में इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा किसका है। और एक पूरी राजनीतिक संस्कृति रातों रात बदल दी गई, तमाम दल इसमें शामिल हैं, एक की बात नहीं है। लेकिन आप माझी नरपलिया, हाँ, कि इस सभा में आए तो आपको पता चलेगा कि देश के इस तरह से कई इलाकों में आज भी चुनाव जो है वो किस तरह से हो रहा है, कि मंच पे हजारों लोग हैं, माफ कीजिएगा, मंच पे 10-50-60 लोग बैठ गए हैं, हजारों लोग की भीड़ इस तरफ है, कोई इस तरह से सुरक्षा का घेरा नहीं है, इस तरह का नाटक नहीं है, सबको एक दूसरे से मिक्स कर रहे हैं और अपना भाषण दे रहे हैं, कवि हैं जो जन कवि हैं वो भाषण दे रहे हैं। ये जो पूरा एक फ्लेवर है हमारे लोकतंत्र का और हमारे चुनाव का, कुछ कुछ यहाँ बचा हुआ। और ये बात ये लालू यादव की रैली से अलग मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव खत्म होने के बाद कम से कम इस पर भी सोचा जाना चाहिए कि इतना पैसा जो बहा है वो किसका है। क्यों आपको कुछ चेंज लगा इतनी सारी रैलियों में आप घूमे? यहाँ पे मतलब एक चीज तो कॉमन है, वही हेलीकॉप्टर से कोई नेता आता है, लेकिन उसके अलावा बाकी ये सब भीड़ में बहुत कम है। यूपी और बिहार की रैली में क्या अंतर लगा? यहाँ देखने के लिए आई है, किस लिए आई है? यहाँ पर क्यों आई है? उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं हमेशा। अच्छा, तो आप कैसे 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 तय करते हो? कौन बताता है? अपना भी सोच लेते हो? लालू को देंगे क्यों? लालू जी को क्यों देंगे? लालू जी को क्यों देंगे? चमचा लोग बहुत है, चमचा लोग बहुत है, गरीब का मदद नहीं करता है, बस चमचा लोग नेता तक पहुँचाता, आप लोगों का मदद नहीं होता है, खाली चमचा लोग है।
ये तो कहिए कि उस तरफ देखिए कि पूरे मर्द लोग हैं और इस तरफ औरतें हैं, इनका गुस्सा सिस्टम को लेके इतना ज्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेकर, कि नेताओं को समझना चाहिए कि ये वो तबका है जिसका वोट लेने के लिए कम से कम काम के स्तर पर बहुत खरा उतरना पड़ेगा उनके लिए। इनके पास जो राज है सिस्टम को लेके, कि किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, हमारी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था काम कर रही है, उसके बारे में सोचा तो जाना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा कि आप सिर्फ एक माहौल बना दें, फीमेल वोटर विमेन वोटर बना दें, उससे काम नहीं चलेगा। घर नहीं है, आपके पास रास्ता नहीं है, तो मालिक सो रही है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, गोबर लगाई है, इसमें गेंदा फूल लगाई है, क्या हुआ था इसमें? हाँ हो गया, तो आप उसमें गेंदा फूल लगाई, डॉक्टर के पास नहीं गई, ऐसा नहीं है आपको? अरबों रुपए हमारे नेताओं ने रैलियों पे फूंक दिए, एक कंबल भी नहीं दिया। ये तो आप लोग रैली में आती हैं तो खाली मर्द लोग वहाँ घुस जाता है, आप लोग कहे किनारे खड़ी हैं, आप लोग भी जाइए उसमें घुसिए। नहीं हाँ, मुखिया बोला है कि मंच पर नहीं जा सकते हैं, अभी इनके नजर नाम क्या है? आयशा मुनी। इनके नजरिए से देखिए तो इनके लिए मौका होता है कि जब भी कोई नेता इनके इलाके में आए तो जाकर बात करें, लेकिन मंच इतने भव्य बना दिए जाते हैं और सुरक्षा के नाम पर इतने दूर कर दिए जाते हैं कि वो आता है नेता और वो सिर्फ अपना भाषण देकर चला जाता है, इन लोगों की शिकायतें उस तक नहीं पहुँचती। ये औरतों का लोकतंत्र है जो मर्दों के लोकतंत्र से इतना अलग है, आप वहाँ देखिए तो वो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं और ये लोग सवालों के साथ पूरे राजनीति वादे। सरपंच कहता है तुम गरीब है, तो गरीब नाला पसुते हैं, गाड़ी से कचरा जाएंगे, कोई कहता है कि मर जाएगी कहियो लड़का लेकर। अच्छा ठीक बा, जाए लोग आपको जेल भेजवा दिया, जेल भेजवा के नीतीश कुमार हाथ चमका चमका के भाषण कर आई पर याद नरेंद्र मोदी गुजरात में आप ये वाला लोग फांसी ले लेते हैं कि गलिये 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 लालू गई ले आप फिर लालू का आंसू दिया के रही अब छाती पीने पर सरकारी से भाग रहा था ये पोतिया क्या हो गया यार। एक यहाँ पर अंतर है, अभी भी लालू भले जेल से बाहर आए हों और उन पर भ्रष्टाचार और वो सब पुराने बिहार के शासनकाल की इन पर जो धब्बे हैं वो हैं, लेकिन जब ये बोल रहे हैं तो जो भीड़ है वो खड़ी होकर स्तब्ध होकर सुन रही है, उसमें एकाग्रता है, उस तरह से नहीं है जैसे नरेंद्र मोदी की रैलियों में लोग झूमते हैं, नारे लगाते हैं और एक तरह का मैक्सिकन वेव बनाते हैं, मोदी मोदी करते हैं, लालू अपनी ऊंची आवाज में भाषण दे रहे हैं और जो भीड़ है वो एक तरह से एकाग्रता के साथ सुन रही है, नतीजा ऐसा आएगा। नतीजे की अभी बात क्यों करें, हम आए हैं बिहार में देखने के लिए कि लालू प्रसाद यादव की जो रैली हो रही है, ये रैली नहीं है ये सभा है, उस सभा में उनका करिश्मा क्या अब भी वैसा है जैसा एक समय में हुआ करता है। सभा के बाद अक्सर नेता जो हैं वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और हेलीकॉप्टर पर उड़ जाते हैं, पर लालू ने अपना भाषण ख़त्म किया और वो बागीचे में गए जहां वो अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं से इन्होंने मुलाकात की है। अब प्रभुनाथ सिंह और लालू प्रसाद यादव दोनों हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे हैं। जी का बोलता ले? अच्छा तो आप, मैं औरतों से बात कर रहा था तो आप देख रहे थे। आप वहाँ लगाए थे, अरे बाप रे, ये एक अंदाज है, लग रहा था कि आप मेले में आए हैं, चुनावी सभा कम है, लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक शैली है वो उसकी छाप अभी भी उनके राजनीतिक आयोजनों में नजर आती है, जिस तरह से इस
इस चुनाव के रैलियों के कवरेज से आप देख ही रहे होंगे अलग अलग चैनलों पर अलग अलग रैलियों से किस तरह से रैलियां भव्य हो गई हैं। उस अनुपात में ये एक बिल्कुल यहाँ कोई खास धन का प्रदर्शन नहीं था, लोग ही थे और ये सभा के स्तर की एक अच्छी बड़ी सभा थी। जदयू के मुखिया नीतीश कुमार जी जो सुशासन और तरक्की का जो दिखा रहे हैं सपना, उस सपने को मैंने दोष एक शेर में लिखा है कि इधर जंगल उधर बंजर दिखाई देता है, हर तरफ लूट का मंजर दिखाई देता है। और नीतीश कहते हैं कि हर तरफ सुशासन है मगर जिधर देखो उधर खंजर दिखाई देता है। मैं तो कवि हैं आप, कहीं किधर भी कोई भी कविता पलट दीजिए किसी की। नहीं मैं ऐसी बात नहीं, यही आरोप तो भी लालू जी पे भी लगता है। बेशक हमको लगता है कि लोग लालू की तरफ फिर से लौटेंगे, तो रैली तो ठीक है, क्यों लौट रहे हैं? उनके पास एक ऑप्शन बीजेपी है, एक ऑप्शन जेडीयू है। बिहार के लिए सर ऐसा नहीं है, बिहार ये जात पात बहुत ज्यादा है, भेदभाव बहुत ज्यादा कर रही है, भेदभाव मतलब उनका और लालू जी भेदभाव नहीं है, इसलिए हम लोग लालू जी की तरफ यानी मुड़ना चाहते हैं। बिहार की जनता जो है ना, देखिए आप उनके सपोर्टर हैं, ठीक बात है, सबके पार्टी के सपोर्टर के बीच में जाके पूछा, वो कहते हैं भाई लालू जी की क्रेडिबिलिटी क्या है, भ्रष्टाचार के आरोप, बिहार 15 साल जिस तरह से गर्त में गया था वो हटाया गया था, अब फिर से उसी लालू पे क्यों भरोसा कर रहे हैं? वो थोड़ी देर के लिए बहक गए थे, थोड़ा देर के लिए बहक गए थे, लेकिन मुकम्मल तौर पर लोगों ने महसूस किया, बिहार के लोगों ने, कि नहीं लालू जी ही असली गरीबों और दलितों और पिछड़ों का नेता और उनकी भलाई सोचने वाला लालू यादव। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, यहाँ के लड़ लेंगे लालू यादव। नरेंद्र मोदी कहाँ है, केवल हवा है, केवल हवा, ऊपरी हवा, लालू के सामने कोई अभी इंडिया के नेता नहीं है पब्लिसिटी पाने के। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी उस महाराष्ट्र में, जिन्होंने महाराष्ट्र में ठीक है, इन्होंने यूपी और बिहारियों को मार के भगाया था, उसके साथ ये मानसे के साथ अलायंस कर रहे हैं, तो अभी हम मोदी के साथ किस तरह से जाए? हम गरीब आदमी है, जो बड़े आदमियों का नहीं भगाया गया, अमिताभ बच्चन भी भैया हैं, बहुत बड़े भैया हैं, ठीक है, उनको नहीं भगाया गया, यूपी और बिहार के लोगों को भगाया गया। लोग इस क्यों बात को समझेगा? आपको लगता है कि बिहार का लोग क्यों नहीं समझेगा? सब समझदार हैं, मोदी के साथ गए हैं, उनको मालूम है कि राज ठाकरे कौन है, शिवसेना कौन है, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं बीजेपी के। नहीं जाएगा ना सर, जो समझदार बिल्कुल नहीं जाएगा, जो सबको लेके चलेगा सब उसके साथ जाएंगे। आपके लिए मैटर करता है कि राज ठाकरे के साथ जो अलायंस हुआ है वो ठीक है? राज ठाकरे के साथ अलायंस नहीं हुआ है, अलायंस नहीं हुआ है, लेकिन राज ठाकरे और बीजेपी के नेताओं में मुलाकात हुई है, शिवसेना से मुलाकात हुई है, ठीक है ना, ये तो है, उनका संबंध है। आपको लगता है ये जो आप बात कर रहे हैं इनको मैटर नहीं करता? ये राजनाथ सिंह जी ने ये बात का अनाउंस कर दिया कि अगर किसी को गठबंधन कर रहा है तो हमें आकर के शामिल हो जाइए, ये कहने से क्या होता है? हमारा अलायंस शिवसेना से, ये कह रहे हैं, बताइए। शिवसेना से है ना सर, उन्हीं के भाई थे ना, उन्होंने तो भगाया, शिवसेना से अलायंस तो है ही, शिवसेना है तो शिवसेना ने तो लोगों नहीं भगाया, भगाया तो राज ठाकरे ने भगाया। ये बताओ, अब बताओ इस पे जवाब। राज ठाकरे ने भगाया, लेकिन राज ठाकरे ने ये भी तो कह दिया है कि हमारा जो है इनके साथ अलायंस नहीं है, लेकिन लड़ रहे हैं तो समर्थन हमारा इनके साथ जाएगा रिजल्ट आने के बाद। कहने वाली बात क्या, उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद कहा है। उस तरीके से देखा जाए तो अपनी बहन के खिलाफ तो साधु यादव खुद ही आगे चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या कहा जाएगा? बड़ा मुश्किल है बिहार में पॉलिटिक्स डिस्कस करना। छोटे से ब्रेक के बाद इसी सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे आगे चल के लालू प्रसाद यादव से इंटरव्यू उनके मंच पर।